स्वागत तीन का तर्कश देखना शुरू कर चुके हैं आप। और सबसे पहले बात, एक बड़ी मांग की, महंगाई भत्ते की मांग को लेकर कर्मचारी अधिकारी एसोसिएशन एकजुट हो गए। भोपाल के सतपुड़ा भवन के बाहर कई कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने सरकार से महंगाई भत्ता जारी करने की मांग की। महंगाई भत्ते के अलावा पुरानी पेंशन बहाल करने और कई मुद्दों को लेकर कर्मचारी नेताओं ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, केंद्र सरकार के आदेश के तहत मध्य प्रदेश में भी 7% महंगाई भत्ते की कर्मचारियों ने मांग की है। महंगाई भत्ता जो रुका हुआ है जनवरी से 10 महीने हो गए, वो दिया जाए। हमारे पेंशनरों को महंगाई राहत दी जाए। हमारे जो वाहन भत्ता है, लिपिकों की ग्रेड पे में विसंगति है। हमारा मकान किराया है। हमारे वाहन चालकों की समस्या है, जो टैक्सी प्रथा है। इन मांगों को लेकर लगातार जो ज्ञापन हम लोग सौंप रहे हैं, सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो आज हमने यहाँ अपने लंच के समय एक सरकार को चेतावनी स्वरूप एक हमने सभा की है और हम चाहते हैं सरकार हमारी मांगों की ओर जल्दी से जल्द देखेगी, क्योंकि कर्मचारी जगत सरकार की ओर देख रहा है। और अगर वास्तव में सरकार को कुछ करना है और सरकार कुछ हितैषी है, कर्मचारी हितैषी, तो उसे जल्द से जल्द हमारा महंगाई भत्ता, महंगाई राहत। तो डीए बढ़ाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन है, और भी तमाम मांगे हैं। बड़े नेता हुए हैं अजीत जोगी, स्वर्गीय अजीत जोगी। एक बार उन्होंने चर्चा के दौरान कहा था, जब तक बच्चा रोता नहीं मैं दूध नहीं पिलाती। अकारण उनका ये प्रसंग याद आ गया। अब वापस भोपाल की खबर पर लौटेंगे। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट? कहना है कि बहुत समय से हम ज्ञापन दे रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, तो अब तो मांगे माननी पड़ेंगी। जी देखिए, बिल्कुल ललित, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी महीने में कर्मचारियों को डीए बढ़ाने का ऐलान किया था और कहा था कि इसका एरियर सहित भुगतान आपको मिल जाएगा। कर्मचारियों की एक सबसे प्रमुख मांग है कि जिस महंगाई भत्ते को, जो डीए को बढ़ाने की बात सरकार ने कही थी, 10 महीने गुजर जाने के बाद भी आज तक उनको एरियर नहीं मिला है। तो सबसे प्रमुख मांग जो उनकी है कि जो आपने डीए बढ़ाया था उसका जो भुगतान है वो आज तक नहीं किया गया है। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि केंद्र के समान उनको महंगाई भत्ते मिलने चाहिए, चाहे वह घर के किराए की बात हो या फिर जो वाहन के खर्चे हो, वो सभी के सभी उनको केंद्र सरकार के समान मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि कई बार सरकार को से इस बारे में बातचीत भी हुई है, कई बार ज्ञापन भी दिए गए हैं, लेकिन उस पर सरकार ने अब तक कोई अमल नहीं किया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले ही ये घोषणा कर दी है कि दिवाली को देखते हुए 28 तारीख को ही सभी कर्मचारियों के खाते में वेतन पहुंचा दिया जाएगा। तो कर्मचारी कह रहे हैं कि आपने वेतन डालने की आपने बात कही है, अच्छी बात है, लेकिन केवल वेतन से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि जो डीए आपने बढ़ाने का ऐलान 1 जनवरी से किया था, उसको 10 महीने गुजर गए हैं, उसका भुगतान भी चाहिए। और जो पेंशनर्स हैं उनके भी महंगाई भत्ते आदि की बढ़ाने की मांग जो है वो कर्मचारी संगठन कर रहे हैं। जी चलिए चलिए, बहुत धन्यवाद शैलेंद्र। शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे कर्मचारियों ने जो प्रदर्शन किया है उसे लेकर क्या कुछ उनकी मांगे हैं। बलरामपुर में थाने में मौत के बाद परिजनों ने जिला चिकित्सालय के सामने हंगामा किया। पुलिस कस्टडी में युवक की आत्महत्या के बाद लोगों में गुस्सा है। लोगों ने नेशनल हाईवे 343 की मुख्य सड़क को जाम कर दिया। परिजन और गांव के लोग फिर से बवाल कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। डिटेल पोस्टमार्टम की मांग की है। मृतक के परिजन नौकरी और मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। समाज के लोगों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर SDM को ज्ञापन भी सौंपा है। स्वास्थ्य विभाग के एक संविदा कर्मचारी थे गुरुचांद मंडल जी, उनकी मृत्यु के कारण काफ़ी रोष हुआ था और आज पंचनामा अन्य कार्यवाहियां जुडिशियल मजिस्ट्रेट सर की उपस्थिति में संपन्न किए जाने के बाद यहां उपस्थित, उसमें 4-5 प्रकार की मांगे हैं, जिसमें जो दोषी पाए गए लोग हैं उनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की मांग है। गुरुचांद मंडल जी के परिवार के लोगों को शासकीय नौकरी संबंधी मांग प्रस्तुत की गई है और परिवार के जो लोग हैं उनको शासकीय योजनाओं का लाभ दिए जाने की मांग की गई है। और हम समाज यहाँ उपस्थित है और जब तक उनका पोस्टमार्टम का विधिवत नहीं होता है, रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक यहाँ चाहे मर्चुरी में जितने दिन भी बॉडी रखे, हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम उनकी बॉडी को नहीं लेंगे, हम समाज की ओर उनका दाह संस्कार नहीं करेंगे। वो पीड़ित के परिवार के साथ जो हुआ है, हम चाहते हैं उस परिवार को, एक व्यक्ति को उनकी नौकरी दी जाए, उनका मुआवजा दिया जाए और उनके लिए कानून उनके साथ रहे। साथ ही साथ जिन्होंने
उनको मारे हैं, उनको सस्पेंड होना चाहिए, उनको निलंबित होना चाहिए, ना कि लीपापोती हो गया किसी बेकसूर को हो जाए, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक शव लेने से इनकार किया जा रहा है, नौकरी मुआवजे की मांग की जा रही है। ये समाज के लोग हैं और अब सियासत भी इस मामले को लेकर खूब हो रही है, कांग्रेस की तरफ से भी हमला किया जा रहा है। इन सब के बीच एक बात को भूलना नहीं चाहिए कि जो गुरुचरण जिसकी मौत हुई है उसके साले ने गंभीर आरोप लगाया है। गुरुचरण की जो पत्नी है वो मिसिंग थी, उसी केस में बार बार गुरुचरण को जाना पड़ रहा था। इन सब के बीच साले ने गंभीर आरोप लगाया है। सहयोगी सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सूरज के पास आपको लिए चलेंगे। सूरज, इस वक्त क्या कुछ अपडेट, क्या कह रहे हैं परिजन, माने नहीं माने? एक आरोप गुरुचरण के साले की तरफ से भी आ रहा है, नजरअंदाज उसे भी नहीं किया जा सकता। सूरज जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो उसके साला है उसने एक गंभीर आरोप लगाया है जिसने शंका जाहिर की है। उसने पूर्व में ही सरगुजा आईजी और बलरामपुर जिले के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि उसकी जो बहन है जिसे बेचने या किडनैप कराने की शंका थी, जिसको लेकर उसने विधिवत जाँच करने की उस पर मांग की थी, और इस पूरे मामले के बाद लगातार जाँच भी चल रही थी, और वो जब गायब हुई थी तो पुलिस लगातार जो मृतक है उससे और उसके पिताजी से पूछताछ कर रही थी, और इस पूरे मामले में जब मृतक की मौत हो गई है तो लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। अभी भी मृतक के परिजन माने नहीं है, शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन परिजन जो है अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर अड़े हुए। उनका कहना है कि मृतक के परिवारजनों को शासकीय नौकरी दी जाए, उन्हें मुआवजा दिया जाए, वहीं इस मामले में जो दोषी पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं उसे उन पर कार्रवाई की जाए। इन सही पांच मांगों को लेकर उन्होंने आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, लगातार वो बवाल कर रहे हैं। एनएच 343 पर खड़े होकर सड़क जाम कर दिया था, लगातार पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। परिजन लगातार पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर वो अपने मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन परिजन अभी तक किसी भी प्रकार की बात मानने को तैयार नहीं है। वहीं परिजनों के बीच से समाज प्रमुख ने भी इस बात को साफ साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक जो पीएम रिपोर्ट है सही रिपोर्ट जो तब नहीं आ जाता, जब तक उनको ऑथेंटिक जाँच रिपोर्ट नहीं मिल जाती तब तक वो शव को नहीं लेंगे, और जो उनकी पाँच सूत्री मांगें जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो शव को नहीं लेंगे और उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लगातार परिजन को पुलिस समझाने में जुटी हुई है लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं है। ठीक, बहुत धन्यवाद, लगातार सूरज के जरिए अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सूरज की नजरें बनी हुई इस पूरे घटनाक्रम को लेकर।